दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में ये कहा जाता है कि आज तक तो कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। पर दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई भी की और इस पर्वत के ऊपर कई सालों तक साधना भी की। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जब कभी तिब्बत का नाम आता है तो आंखों के सामने खूबसूरत प्राकृतिक नजारे घूमने लगते हैं। कानों में गूंजती है बुद्धम शरणम गच्छामि की गूंज। तिब्बत की धरती आध्यात्म और मानवीय चेतना को समर्पित रही है। इस धरती ने कई महापुरुषों को आत्मज्ञान दिया है जिन्होंने आगे चलकर दुनिया भर में उसका प्रचार प्रसार किया। इन्हीं गुरुओं में से एक है मिलारेपा। मिलारेपा का नाम तिब्बत के इतिहास को और ज्यादा गौरवान्वित बनाता है। उन्होंने गुरु और शिष्य की नई परिभाषा को तो गढ़ा ही, साथ ही अकेले कैलाश पर्वत की चढ़ाई भी की। ये वो असंभव काम था जिसे कम से कम कलयुग में तो किसी ने अंजाम नहीं दिया था। यही कारण रहा है कि मिलारेपा पूरी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं रहे। मिलारेपा ने ज्ञान पाने के लिए तिब्बत गुरु मारपा को अपना गुरु बनाया था, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा हुआ कि बाद में मारपा खुद मिलारेपा के शिष्य बन गए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मिलारेपा की कैलाश यात्रा पर और जानते हैं कि कैसे उन्होंने कैलाश फतेह की। 1093 ईस्वी में मिलारेपा ने अपनी कैलाश यात्रा शुरू की। उनके साथ कुछ अनुयायी भी कैलाश यात्रा के लिए निकले। कैलाश पर पश्चिम की ओर से चढ़ाई करने पर सबसे पहले गुरला सेही नाम की जगह आती है। ये वो जगह है जहां मिलारेपा पहुंचे तो देवताओं ने उनका सत्कार किया। इसके बाद मानसरोवर झील के पास वे अनुयायियों के साथ रुके। वहां उनकी मुलाकात नारुवान चुरुम से हुई। नारुवान बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने मिलारेपा से वहां आने का कारण पूछा। मिलारेपा ने उत्तर दिया कि मैं कैलाश की चोटी पर जाकर ध्यान लगाना चाहता हूँ। नारुवान ने कहा कि कैलाश पर केवल वही ध्यान कर सकता है जो बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहा हो। मिलारेपा ने कहा कि आचार्य शाक्य ने कहा है कि कैलाश पर सभी बौद्ध अनुयायी योग साधना कर सकते हैं। यही कारण है कि मेरे गुरु मारपा ने मुझे यहाँ ध्यान साधने के लिए भेजा है। बौद्ध धर्म और बुद्ध धर्म के कैलाश पर अधिकार को लेकर दोनों के बीच बहुत बहस शुरू हो गए। जब कोई हल नहीं निकला तो नारुवान ने कहा कि कल सुबह जो सबसे पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचेगा, कैलाश पर उसी का वर्चस्व होगा। मिलारेपा ने शर्त स्वीकार कर ली। नारुवान ने तत्काल ही कैलाश की चढ़ाई शुरू कर दी जबकि मिलारेपा आराम करने लगे। नारुवान कैलाश की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे कि एक अनुयायी ने आकर मिलारेपा को नींद से जगाया और पूछा कि क्या हमें कैलाश छोड़ देना चाहिए। इसके बाद मिलारेपा तेजी से कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगे। नारुवान चोटी के कुछ नजदीक ही पहुंचे थे कि सूर्य उदय हो गया। सूरज की पहले ही किरण का प्रकाश वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। आंखों में तेज चमक लगने से वे कुछ पीछे हट गए। जबकि मिलारेपा आसानी से कैलाश की चोटी पर पहुंचे, उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को नमस्कार किया और उसकी रोशनी को खुद के शरीर में प्रवेश करवाया। यह देखकर नारुवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने किए की माफी मांगी। मिलारेपा ने उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसी चोटी से कुछ बर्फ उठाकर नीचे फेंकी जिससे एक छोटे पर्वत का निर्माण हुआ। मिलारेपा ने वह पर्वत नारुवान को देते हुए कहा कि यह बौद्ध धर्म के लिए है जहां से तुम हमेशा कैलाश को देख सकते हो। आदिकाल से इस पर्वत को गैंगचुम यानी छोटे कैलाश के नाम से जाना गया। इस तरह मिलारेपा इतिहास का वो इकलौता मनुष्य है जिन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की और फिर सालों तक वहां साधनाएं की। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बोलिएगा। कैलाश पर्वत के बारे में और इसके रहस्यों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।